नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब समय है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर स्थिति में। दिल्ली में रात 11 बजे क्यूआई लेवल 599 दर्ज। प्रदूषण के कारण दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में सुबह जबरदस्त धुंध, गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हुआ। दिल्ली के ओखला इलाके में ड्रोन की तस्वीरों में कैद प्रदूषण सुबह में इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी प्रदूषण की मार, सुबह सुबह छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा अधिक खराब, सुबह छाई धुंध में कुछ भी देखना मुश्किल हुआ। लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी दिखी धुंध का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच साइकिल चलाते दिख रहे हैं लोग, कहा सरकार को पॉल्यूशन रोकने के लिए उठाने चाहिए कदम। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोगों ने सरकार से पहल करने की अपील की, कहा सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वीडियो वॉर शुरू। बीजेपी ने वीडियो जारी कर सीएम केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार, वीडियो रिलीज कर प्रदूषण के लिए सीधे पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा सब्र खत्म हो रहा है, अगर हमने एक्शन लिया तो बुलडोजर नहीं रुकेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। सभी पक्षों को आज एक साथ बैठक करने को कहा। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, कहा केजरीवाल के राज में सबसे ज्यादा पराली जल रही। अश्विनी चौबे ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता को ठहराया जिम्मेदार, कहा पराली और वाहन से प्रदूषण पर रोक लगाना राज्य सरकार का काम। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी के बाद तय होंगे और जीवन नियम, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव को लिखा खत, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ठीक से हो जांच। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, दो किसानों को किया गिरफ्तार, किसानों पर नोटिस दर्ज। यूपी के प्रयागराज में एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंचा, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। नोएडा में 10 नवंबर तक प्री स्कूल से कक्षा 9वीं के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। मुंबई में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, शिवाजी टर्मिनल इलाके में सुबह में एक्यूआई 301 दर्ज।